तीन दिन पहले क्या हुआ, रामनगर में सचिन जी को ये बच्चिया और इसकी माँ दिखी। ये शायद प्रीमेच्योर बर्थ है, इसीलिए इतनी छोटी और कमजोर है। तो सड़क पर जो कुत्ते होते हैं उनको खाने को तो ज्यादा मिलता नहीं, वो भूखे होते हैं, वो इसको पीछे पड़े। तो सचिन जी ने इसको बचाया। अब उनको था कि इसको भेजें तो भेजे कहाँ। तो उन्होंने हमें फोन किया, वैसे तो हमारे एरिया से बाहर था, हम गए और इसको और इसकी माँ को यहाँ पे ले आए। अब देखिए, वैसे तो किसी का जीना मरना भगवान के हाथों में, पर फिर भी सड़क के मुकाबले यहाँ आके इनके जीने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते। यहाँ तो पीपल फार्म है और सचिन जी ने हमें कॉल किया, हमें यहाँ ले भी आए, लेकिन भारत के अधिकांश प्रांतों में ऐसी कोई जगह है ही नहीं, और जो जगहें हैं भी उन्हें लोगों से एक साथ नहीं मिलता। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ खासकर शहरों में लोगों के पास इतना पैसा है, इतना समय है, उन्हें समझ नहीं आता कि आज वो खुशी का कौन सा नया साधन ढूंढे, कौन से नए पब में जाएं, कौन सी नई गाड़ी खरीदें, कहाँ फ्लैट खरीदें, बच्चों के लिए कितना पैसा छोड़ के जाएं। तो अपनी इस खुशी की खोज में ना सिर्फ वो उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं जो उनके पैसे से, उनके समय से अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, बल्कि वो उस खुशी को भी पीछे धकेल रहे हैं जिसे वो इतनी बुरी तरह खोजते हैं। पर अगर कोई थोड़ा भी रुक के सोचे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड, हैप्पीनेस हैपेंस। खुशी को आप खोज नहीं सकते, पर जब आप उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकते, तो खुशी खुद ब खुद अंदर से आ जाती है, और वो खुशी आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो देखिए, अगर आप खुद से शुरू नहीं कर सकते, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ करे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कम से कम बेसहारा जानवरों को खाना खिला सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है, तो जमीनें खरीदिए, जंगल बना दीजिए, इन लोगों के लिए सेफ स्पेसेस बना दीजिए। अपने लिए तो हम लोग जीते ही आए हैं ना आज तक, कुछ समय दूसरों के लिए भी जी के देखिए।